भाई सबको साउंड क्लियर आ रहा है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया। वीडियो थोड़ा ब्लर है, एक सेकंड होल्ड करो। एक्चुअली क्या है ना, लैपटॉप का कैमरा है ना, उसके चलते शायद वीडियो ब्लर है। अभी अब कैसा है, सब सही है? और हाँ, अभी साउंड साउंड ठीक है, परफेक्ट। चलो शुरू करते हैं यार आज का सेशन। तो यार आज अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड्स है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या बोल रहे हैं, चैट सेटिंग्स चेंज कर दो। चैट सेटिंग्स में मुझे क्या करना होगा? ओनली होस्ट, ठीक है, एक सेकंड और करो। होस्ट एंड पैनलिस्ट, डन। देखो अभी चैट सेटिंग चेंज हो गया क्या? डन, परफेक्ट। चलो थैंक यू सो मच, शुरू करते हैं यार आज का सेशन। पिछला आप लोगों का कैसा रहा, वो क्विज था ना आपका, क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन का क्विज था, बढ़िया रहा टेस्ट? चलो अच्छी बात है, अच्छा टेस्ट टेस्ट था, चलो अच्छा सही है। एक मिनट होल्ड करो, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अल्केन्स भी था ना वो, तो अल्केन्स अल्काइन्स का भी आप आगे प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देना, ठीक है? और फिर अपन उसके ऊपर एक सेशन करेंगे जिसमें अपन अल्केन्स अल्काइन्स एंड अल्कीन्स वाला जो है ना, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? श्रिया का कहना है प्लीज टीच रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है श्रिया? अब देखो कैसा होगा, हियर ऑनवर्ड्स अपन जितना भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं ना, उन सारे चैप्टर्स में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का अप्लीकेशन करना ही, ठीक है? तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोग, ये लेक्चर आज 8:30 तक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको एक एक सेशन सेशन बाय सेशन आगे अपन जाते जाएंगे, जैसे एक एक रिएक्शन को डील करते जाएंगे, तो तब मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया अब हमको कैसे आएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म वॉज द ग्रामर, ठीक है? ग्रामर का अप्लीकेशन जो है, जो मेन लैंग्वेज में आएगा, वो अप्लीकेशन तो अपन हर चैप्टर में देखेंगे। हर चैप्टर में देर आर लाइक, अगर मैं एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से भी बताऊं आपको, ठीक है, बेसिक एनसीईआरटी में भी आप ले लो अल्काइल हैलाइड्स की, अगर मैं बात करूं तो अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के करीब करीब 6 से 8 तरीके है, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन के करीब करीब 6 से 8 तरीके है। अब ये सारे जो प्रिपरेशन के तरीके हैं, रिएक्शन के तरीके हैं, इनमें हर हर रिएक्शन में मैकेनिज्म आएगी, ठीक है? तो हर रिएक्शन में जब अपन मैकेनिज्म आगे लेके चलेंगे तो आपको हर जगह रिएक्शन मैकेनिज्म दिखेगा, ठीक है? प्लीज टीच चैप्टर वाइज रिलेटेबल टू एनसीआरटी, सिद्धार्थ का कहना है, ठीक है? फिर मैं और क्या करूंगा यार दोस्त, ठीक ही तो है अपने पास एनसीआरटी, ठीक है? तो ऑर्गेनिक का पोर्शन कब तक खत्म होगा देखते हैं यार, ऑर्गेनिक का एक से नोट कर। हाँ भाई, ऑर्गेनिक का पोर्शन कब तक होगा? अगर अभी हम लोग एरोमेटिक पे है ना, एरोमेटिक से एटलीस्ट अमीन्स तक का अगर मैं आपको कहूँ तो हमारा टारगेट होना चाहिए अराउंड 12 to 14 सेशंस, ठीक है? मैक्स 14 सेशंस में अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? क्या
कैन वी डू इट फ्रॉम, हाँ मतलब भैया मेरे वीडियो लेक्चर्स तो तुमको हर जगह मिल ही जाएगी यार, पूरा का पूरा केमिस्ट्री करवा के रखा है मैंने, ठीक है, तो वो उसके ऊपर वो तो तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, और उसके बाद कोई डाउट्स हो तो अपन यहाँ पे डिस्कस तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा करवाऊंगा, ठीक है, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन अ मोमेंट, ठीक है, 2 months में खत्म, कोशिश तो वही है कि 12 सेशन हो जाएंगे अपने, 14 सेशन 2 months में हो जाएंगे, अप्रॉक्स हो जाने चाहिए, 2 months में हम लोग ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे, ठीक है, उसके बाद अपना एक बार पूरा रिविजन भी होगा, ठीक है, तो मैं आपका ऑर्गेनिक का पूरा फिर एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। Where are those lectures? यार तुम रोहित छोटा ही सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारे सेशन है, बट मोस्ट ऑफ दोज सेशन आर फॉर नीट, ठीक है, जेई के लिए मैंने मोस्टली क्वेश्चन करवाए, ठीक है, तो फिर जेई एडवांस का हम लोग वहां पे कवर नहीं किए, तो उसके लिए आपको यही पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप टेंशन, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि अपन पूरा का पूरा सेशन यहाँ पे करेंगे, और तुमको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो मैं हूं ना यहीं पे बैठा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि तुमको जाके मेरे पुराने रिकॉर्डेड सेशन ही देखने हैं। हाँ भाई, स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? एक सेकंड होल्ड करो, आप लोगों के लिए एक नई नोटबुक बनानी पड़ेगी। नॉट हियर, नॉट हियर, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बैकग्राउंड चेंज कलर करो ना, चेंज, दो मिनट होल्ड करो भाई, सब सेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपका सेशन ब्लैक स्क्रीन पे ही होगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आंखों को ज्यादा दिक्कत ना हो, दिन भर पढ़ाई करना होता है यार ऑनलाइन, जितना ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा ना। मैंने पिछला टाइम जो सेशन किया था, पिछला सेशन वो मुझे उसमें पसंद नहीं है, पावर पॉइंट इज थोड़ा सा बैकवर्ड। आज हम लोग चालू करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। चलो स्क्रीन आपका कर देते हैं ये, हाउ इज इट, परफेक्ट है अभी। आज आपको टेलीग्राम पे 2 questions सेंड किया है, प्लीज एग्जाम, हाँ ठीक है, आयुष आखिरी में मैं कोई याद दिलाना, ठीक है, अपन आखिरी में करेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। अब बिफोर वी स्टार्ट दिस विद दिस थिंग, एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ऑर्गेनिक का अपना अपना एनसीईआरटी, ठीक है, एक बार अपन एनसीईआरटी स्टार्ट ओपन करते हैं और उसके बाद अपन वहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
क्या मेरे पास एनसीईआरटी है? अच्छा जस्ट सेकंड। हाइड्रोकार्बन्स, सब लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना एनसीईआरटी? अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सो आप लोगों ने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द एरोमेटिक वाला पार्ट। अब एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एनसीईआरटी में मैकेनिज्म उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी अगर हम एक बार देख लेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट दैट वी आर सपोज टू डिस्कस। ठीक है, चल तो यहां से कहानी की शुरुआत होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सबको दिख रहा है। हाँ भाई, सबको क्लियर है ना? किसी को कोई भी दिक्कत आए तो कैपिटल में लिख देना, ठीक है ना, ताकि मेरे को। कई बार क्या होता है, आप लोगों को इतना सारा चैट आ रहा है, अब आप लोगों ने तो होस्ट करवा दिया, लेकिन होस्ट होस्ट का हालत टाइट हो जाता है इसमें। ठीक है, ज्यादा चीजें दिख नहीं पाती, इन केस कुछ मैं मिस कर जाऊं तो मुझे बता देना, ठीक है ना। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड, अभी तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन की बात किया है। हाइड्रोकार्बन आर दोज कार्बन कंपाउंड जो कि मोस्ट ऑफ देम आर ओपन चेन, जिसमें हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की बात किया है, लेकिन इसमें आप क्लोज चेन की भी बात कर सकते हो। नाउ द रीजन वी सेपरेट द होल, क्या बोलते हैं, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फ्रॉम दीज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज दैट के एरोमेटिक के केस में एक बहुत ही सुंदर चीज हो रही होती है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, साइड बाय साइड मोड प्लीज। मैं समझा नहीं सोहम, तुम क्या कहना चाहते हो? साइड बाय साइड मतलब? अच्छा, ओहो, तो यहाँ नहीं हो सकता दोस्त, YouTube वाला जो चीज बोल रहे हो ना, जूम में ऑप्शन होता है? यार मैं थोड़ा सा नौसिखिया हूँ जूम को लेके, मैं तुमको सच बताऊँ क्या, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ नौसिखिए थे। ओ मैं क्या बोलता हूँ, अपन इसको बाद में फिगर आउट करते हैं। ठीक है, आज के लिए प्लीज ऐसे मैनेज कर लो, है ना, मैं एक बार फिगर आउट करता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, एनीवेज आप लोगों को मेरा चेहरा तो दिख ही रहा है ना यार, ऐसा तो क्यों इतना वो टेंशन है? अभी अपने लिए स्क्रीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सामने ये जितनी सारी चीजें लिखी है ये सारी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक टॉक अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड, इनका जो नाम है, नाम से तो ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे बड़े ही सुगंध वाले होंगे, एरोमा देने वाले होंगे, लेकिन दैट वाज द बिगिनिंग। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एरोमेटिक को इन जनरल हम लोगों ने जब शुरुआत हुई, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है, मतलब आप कह सकते हो करीब करीब 1820 1825 के आसपास पहली बार ये फिगर आउट हुआ कि आप एक नॉन लिविंग कंपाउंड से, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो। नाउ द इनिशियल जो पीपल जो थे, जो बहुत ही फेमस लोग थे जिन्होंने इसमें बहुत सारे काम किए हैं, इसमें आपको सारे के सारे नेम्ड रिएक्शन वाले लोग दिखेंगे, हॉफमैन है, क्लीजन है, कैनिजारो है, फिर आपके कोलबे है, तो ये सारे लोग जो है ये शुरुआती लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए। केक्यूले है, राइट, तो केक्यूले वाज द वन जिन्होंने बेंजीन जो है, बेंजीन के स्ट्रक्चर को नाम दिया, नाम नहीं दिया, उसके स्ट्रक्चर को इमेजिन किया। ठीक है, एंड कहते हैं कि उनको सपने में आया था, इसको लेके शायद इसमें कहानी भी होगी। देखो ये रहे फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले, ठीक है, तो केकुले को सपने में आया था, इतना ज्यादा ऑर्गेनिक पढ़ाई कर रहे थे दिन रात कि उनको सपने में आया कि एक सांप अपनी पूंछ को चबा रहा है, एंड जैसे ही उनको चमका तो उनको सडनली वो C6H6 इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझ में आया। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस,
वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है, क्या हमने ऑलरेडी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बात किया है क्या? हाँ भाई, व्यू सेक्शन में है साइड बाय साइड मोड. अच्छा, आप खुद से कर सकते हो व्यू सेक्शन में जाके साइड बाय साइड मोड. हाँ भाई, हो गया है ना पहले. चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है. तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है, ये कॉन्सेप्ट से आपको ये समझ में आता है कि अगर अल्कीन है, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब वो डबल बॉन्ड में आप वो डबल बॉन्ड ब्रेक करके उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, वहां पे दो हाइड्रोजन और जोड़ सकते हो, तो देयर इज वन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं बेंजीन का, तो बेंजीन में आप मुझे बता सकते हो कितने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होंगे? हाँ भाई, कितनों को पता है बेंजीन में कितने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होते हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन बेंजीन. हाँ भाई, मैक्सिमम लोगों के आंसर आ रहे हैं थ्री और फोर. ठीक है, अब फोर वाले लोग ज्यादा हो गए. करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज फोर. ठीक है, थ्री डबल बॉन्ड तो होते ही है, तो तीन डबल बॉन्ड के होंगे और एक जो फोर्थ होगा वो होगा साइक्लिक रिंग का. तो साइक्लिक रिंग भी अपने आप में एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऐड करता है. ठीक है, फॉर साइड बाय साइड यू विल हैव टू गो ऑन योर प्रोफाइल देन सेटिंग देन शेयर स्क्रीन देन साइड बाय साइड मोड का ऑप्शन है. बाप रे, शेयर क्या हो गया क्या साइड बाय साइड मोड हो गया? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन. किसने किया था? मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाता. अथर्व, थैंक यू अथर्व. चलो बहुत बढ़िया. सो अभी हम बात करते हैं अबाउट स्क्रीन. अब छोटा हो गया, मेरे को मालूम था स्क्रीन. अभी तुमको मेरा शक्ल देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट ठीक है. आई होप आप लोगों को दिख रहा है, अगर कुछ लगे तो मैं स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो चलो ठीक है ठीक है, लेट्स फोकस. तो मैं आपको बस इतना बोल रहा था कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हो. एरोमेटिक कंपाउंड्स जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. So there is one type which is benzene derivative. ठीक है, benzene derivative मतलब क्या? छह member cyclic ring है अंदर, conjugation में आपके पास तीन double bonds है, and we call it aromatic because benzene was one of the first compounds which was discovered and we realized कि अच्छा इसमें एक smell होता है, तो all the benzene के derivatives जो थे उनको aromatic compound की तरह ट्रीट किया गया बिकॉज दे हैड अरोमा. अभी आप बेंजीन के डेरिवेटिव में आप नैप्थलीन को भी ला सकते हो. क्या आप लोगों को नैप्थलीन पता है? सब लोगों को पता है डांबर की गोली सफेद कलर की होती है ना, नैप्थलीन बॉल्स. जनरली उसको कबाट वबाट में रख देते हैं, कपड़ों के बीच में रख देते हैं, बिकॉज क्या होता है कि दे रिपेल दीज इंसेक्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, करेक्ट. अब नैप्थलीन जो होता है, नैप्थलीन का बेंजीन का ही डेरिवेटिव होता है. बेंजीन रिंग में दो बेंजीन रिंग आपकी एक साथ लगी होती है. ठीक है, अब अपन बात करते हैं अबाउट दोस कंपाउंड्स जो कि एरोमेटिक होते हैं लेकिन दे आर नॉट बेंजीन डेरिवेटिव्स. ठीक है, तो बेंजीन डेरिवेटिव्स जो नहीं होते उनको नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है. तो अब आई थिंक दिस इज वेयर we have to talk about a very important rule which is called Huckel's rule. Kitno ko Huckel's rule yaad hai? Do all benzene derivatives have same type of order? Nahi, order to yaar ye chemical property hai, right? Wo to compound jaise change ho jayega uska order change ho jayega. Now the idea, why do we have a order? Because they convert into kya hota hai, sublimate hote hai aur wo sari cheez hoti hai, to sabka apna apna orders hota hai. Theek hai, Huckel's rule for aromatic compound. ठीक है, कोमल को Huckel's rule याद नहीं है, करवा देता हूँ. ठीक है, एक बार अपन Huckel's rule की बात करते हैं और फिर aromatic को आगे continue करते हैं, just for जिन लोगों को याद नहीं है. Huckel's rule जो है Huckel's rule of aromaticity. Huckel's rule क्या कहता है कि
कि आपके पास जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वी कॉल दोज कंपाउंड्स एज एरोमेटिक, एंड अगर आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वी कॉल दोज कंपाउंड्स एज एंटी एरोमेटिक। तो कौन से, अब ये गिनती कैसे करें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, तो 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन सेम प्लेन विच आर इन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिसिटी कब होगी, व्हेन साइक्लिक कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑल प्रेजेंट इन सेम प्लेन एंड फॉलो हकल्स रूल। ठीक है, एरोमेटिसिटी कब होगा, जब आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है उसमें पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सेम प्लेन में है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेम प्लेन में होना। तो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट्स स्टार्ट विद बेंजीन, सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अपना बेंजीन है, तो आप कहोगे कि हाँ बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो अपन हर डबल बॉन्ड को, है ना, जो डबल बॉन्ड है उनको दो इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इट्स अ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पे कितने पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, एंड दे आर इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन। यस, आपको दिखता है वो डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे शिफ्ट करता है। ठीक है, हाँ भाई नोट्स क्रिश आप लिख सकते हो, ठीक है, आप ये लिख सकते हो सारे नोट्स, एंड आप लोगों का ये जो ग्रुप, ये ग्रुप है ना आपका, क्या कहते हैं उसका, आपका टेलीग्राम ग्रुप है या आपका ये व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, तो आप मुझे ऐड करवा दीजिए अब उस ग्रुप में, ताकि सेशन के बाद मैं इमीडिएटली सेंड कर सकूं आपको ये नोट्स, मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा, है ना। तो फिर क्या है, आप लिख तो लो, देखो लिखना जरूरी है, ऐसा मत सोचना कि यार आपको नोट्स आ जाएंगे तो अब हमें लिखने की क्या जरूरत है, लिखोगे तो उससे टेलीग्राम वाला भी बना सकते हैं। अच्छा, यू कांट ऐड, हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ, मेरा सेपरेट ग्रुप बना लू, अच्छा वो भी कर सकते हैं अपन, ग्रुप तो ऐसे मेरा एक है, ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो फिर आपके सीनियर लोग का ग्रुप है, पर उसमें एक्चुअली फिर इसमें कुछ लिमिट होता है, 250 समथिंग, आई डोंट नो, है ना, टेलीग्राम पे, और फिर चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेरे को ऐड करवा दो अभी के लिए, बस बात का बाद में देखते हैं, ठीक है ना। मेरे ऑलरेडी टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स है, आप मेरे को सर्च करोगे मैं टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ मास्टर क्लास का एक अलग ग्रुप हो, बिकॉज वो वाला यूट्यूब वाले ग्रुप है, अनअकैडमी वाले ग्रुप है, तो वहां पे अलग सेशंस का आता रहेगा। ठीक है, मेरा रिटर्न रहेगा, तो उससे क्या है कि कल उठ के अगर कुछ आपने कॉपी करने में मिस्टेक कर दिया, कुछ भी हो गया, तो आपके पास रेफरेंस रहेगा। ठीक है, तो बाकी तो कलरफुल है ही आपके पास नोट्स। अच्छा चलो ध्यान से देखो, 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, क्या ये 4n plus 2 को फॉलो करता है, तो जी हाँ, फॉर n इक्वल टू 1, 4 into 1 plus 2 is equal to 6 इलेक्ट्रॉन, तो जी हाँ ये हकल्स रूल को फॉलो करता है, दैट मीन्स दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, अब मैं आपको चार एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, और आप थोड़ा अंदाजा लगाओ दे आर एरोमेटिक और नॉट, ठीक है ना, कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, और थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते रहो, ताकि क्या है अपन ज्यादा से ज्यादा चीज कवर कर सके, है ना, एक सेशन में, क्योंकि अपने को बहुत लंबा जर्नी तय करना है, बहुत लंबा जर्नी है, बट बहुत मजा आएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे हमेशा ये फील रहा है कि जितने लोगों ने भी मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी किया है, बाय द एंड ऑफ लाइक आधा कंप्लीट होता है ना अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब तक सबको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बनते नहीं बनते वो वाले बात के लिए अपने को थोड़ा प्रैक्टिस और करना पड़ता है, लेकिन आपको फील जरूर आ जाएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होता है,
एनर्जेटिक्स कैसे काम करता है, कोई रिएक्शन होगा नहीं होगा, क्या प्रोडक्ट देगा, ये सारी चीज का आपको फील आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आई विल टेक यू थ्रू एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको बस हकल जरूर में ये ध्यान रखना है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स है तो इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, 4n π इलेक्ट्रॉन्स है तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, चलो तो आपको एग्जाम्पल में सबसे पहले लेट से दिस इज अ साइक्लोपेंटेन का वो है डेरिवेटिव है, इसमें आपके पास डबल बॉन्ड है और एक माइनस चार्ज है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आंसर जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन वन का आंसर और आगे में आपको इज इट एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये बताना है। ठीक है, दूसरा है आपके पास चलो ये तीन का एक मिनट बताओ मैं आया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ भाई आ गया मैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे वेरी नाइस। अभी किसको डाउट है, फर्स्ट में किसको डाउट है, सिर्फ वो डाउट लिखिए फर्स्ट में, अगर आपको डाउट है तो कैपिटल में डाउट लिखिए। चलो ठीक है, कार्तिक थोड़ा सा फोकस करो। ठीक है, फर्स्ट में पहचाने कैसे, ढाके का सवाल है, देखो ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं ये चीज। अब आप ये सोचो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अगर मैं देखू तो डबल बॉन्ड कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनना है तो डबल बॉन्ड दो है, तो दो डबल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन। अब एक कार्बन पे माइनस चार्ज है, अब माइनस चार्ज कहाँ से आता है, माइनस चार्ज आता है लोन पेयर से, है ना, एक कार्बन के पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर बैठा हुआ है तभी उसके ऊपर माइनस चार्ज है, तब उसके ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन हम इसके भी गिनेंगे। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है, तो बिल्कुल है, आप यहां से अगर देखोगे ध्यान से तो ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, ये है माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज के यहां से यहां शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर वो शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आएगा। तो आपके पास अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे नंबरिंग करके देता हूँ कार्बन की, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, कार्बन नंबर फाइव, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर वन में क्या आप मुझे ये बता सकते हो किस किस कार्बन पे माइनस चार्ज घूमता हुआ जाएगा, वन नेगेटिव चार्ज मतलब वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना, देन वाई टू इलेक्ट्रॉन। सोहम का सवाल है कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया होगा सोहम वो ऑलरेडी किसी एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हुआ होगा ना। कार्बन जो है यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा होगा, कार्बन ये वाला जो कार्बन है दिस कार्बन, कार्बन नंबर वन इज एक्चुअली मेकिंग थ्री बॉन्ड्स, टू बॉन्ड्स विद द कार्बन जो एक कार्बन नंबर टू और कार्बन नंबर फाइव के साथ एक सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे होगा तो उसके साथ एक बॉन्ड है, तो कार्बन के जो आउटरमोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन थे उसमें से तीन बॉन्डिंग में चले गए, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था उसको हमने एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। समझ में आया क्या सोहम,
ठीक है, परफेक्ट। तो अब आपके पास किस किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा? लोगों का कहना है 1, 3, 5। लेट मी जस्ट चेक इट फॉर यू। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रोटेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 के बाद इलेक्ट्रॉन चला गया 3 पे। यस, 1, 3 पे है। अब 3 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वो देखना पड़ेगा। 3 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा इस पे, तो इस पे आ जाएगा, है ना। तो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक माइनस चार्ज इधर है। बहुत अच्छे। क्या वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा? ध्यान से देखना इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। इलेक्ट्रॉन जो था इट वॉज ऑन कार्बन नंबर 5, सही बात है। इलेक्ट्रॉन वॉज ऑन कार्बन नंबर 5, वो जंप किया, जंप करते ही ये शिफ्ट हुआ। किस पे आया भाई इलेक्ट्रॉन? क्या इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 पे नहीं आया? अब कार्बन नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन आ गया ना। यस करेक्ट, हेत सही पकड़े हो तुहिन, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन विल मूव ओवर ईच एंड एवरी कार्बन इन दिस केस, दैट इज अ ब्यूटी। ठीक है, सभी पे जाएगा। इसको आपको ड्रॉ करके देखना इसलिए जरूरी है ना। फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमारा क्या आता है, हमको लगता है कि हाँ बेंजीन के जैसे ही तो है, अल्टरनेट पोजीशंस पे तो जाएगा, है ना। बट दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर, क्योंकि आपको जब तक आप बना के नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 सब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा। इवन होता तो नहीं होता, यस जान कह सकते हो आप, इवन नंबर के केस में ये नहीं होता। चलो, सो नाउ वी हैव टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? वी हैव टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, समझ में आया क्या? दो दो दो, तो इट इज जस्ट लाइक बेंजीन, 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा ना एज अ हाइब्रिड। हाँ, इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा एज अ हाइब्रिड, आप बना सकते हो अक्षय, बिल्कुल सही बात है। क्या हो गया, स्क्रीन ऊपर लेने को बोल रहे हो उमी? ठीक है, आई होप ऊपर मैंने ऐसा कुछ और तो नहीं लिखा यार, कुछ मिस आउट नहीं होगा, टेंशन मत लो। सेकेंड वाले केस पे जाते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वाला केस ध्यान से देखना, सेकेंड केस में क्या दिख रहा है हमको? सेकेंड केस में हमको दिख रहा है देयर इज अ प्लस चार्ज। क्या ये कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल कॉन्जुगेशन में है। क्या आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो ये जो प्लस चार्ज है किस किस कार्बन पे मूव कर सकता है? प्लस चार्ज किन किन कार्बन पे मूव कर सकता है? एग्जैक्टली करण, बिल्कुल सही बात है ना। इट विल नॉट मूव, अश्वथ का कहना है, अक्षय का कहना है 1, 3, 5 ये सब पे जाएगा। प्लस चार्ज मूव हुआ, माइनस चार्ज मूव हुआ तो प्लस भी मूव हो सकता है। माइनस वॉज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, प्लस इज अ वीकेंट ऑर्बिटल, है ना। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। समझ रहे हो, सेम चीज, सेम थिंग विल हैपन, ऑल द कार्बन्स विल हैव प्लस चार्ज, है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब जगह हर कार्बन पे प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने घूम रहे हैं? नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस केस में आपके पास घूम रहे हैं, दे आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। दो डबल बॉन्ड है और एक वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल को आप इलेक्ट्रॉन की तरह गिनते ही नहीं हो, तो यू जस्ट हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स मींस हकल्स रूल के हिसाब से दैट इज 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एन इक्वल टू 1, है ना। तो दिस इज एंटी एरोमेटिक, तो ये था आपका एरोमेटिक, ये है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एन कैसे डिसाइड करते हैं कोमल? एन आप देख लो ना, मतलब अभी देखो 4n+2 है एंड अगर मेरे को कोई बोलता है एन इक्वल टू 1 है, तो 4n+2 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 इलेक्ट्रॉन आएगी। एन इक्वल टू 2 है तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना आएगी? 4 into 2, 8+2, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आएंगी। क्या एन जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल एन जीरो हो सकता है। एन अगर जीरो है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इवन दिस विल फॉलो हकल्स रूल। तो हकल्स रूल ये कहता है कि द एन शुड हैव होल नंबर वैल्यूज, ठीक है।
एन इक्वल टू होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल होता तो जीरो नहीं लेते ना अपन। डन। क्या आखिरी वाला एरोमेटिक है? बिल्कुल, क्या ये एरोमेटिक है? दो इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू क्या लिया, जीरो, एन इक्वल टू जीरो लोगे तो इट इज फॉलोइंग फोर एन प्लस टू रूल, तो यस इट इज एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को लेके अपन और बातें करेंगे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, अभी के लिए अपन इसको थोड़ी कहानी को यहीं पे होल्ड करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ और भी कंपाउंड्स आगे आते हैं, ठीक है, बट उसमें अभी अभी उतना टेंशन नहीं लेंगे। एक सेशन मतलब एक बार अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना, देन आई विल टेक यू थ्रू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम नोन बुक्स, तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में ले जाऊंगा। ठीक है, व्हाट आर क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स? क्वाजी एरोमेटिक में अभी नहीं जाते थ्रू, है ना, अभी वो बस वो है क्वाजी। क्वाजी का मतलब ये है एरोमेटिक जैसे। ठीक है, तो दे हैव स्टेबिलिटी, उनका एनर्जेटिक्स आप देखोगे तो दे आर स्टेबलर एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल कंपाउंड। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स अपन आराम से देखेंगे, अभी मैं वही बोल रहा हूँ, एक साथ अपन सब ओवरलोड कर लेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वोंट गो, डिडंट गेट थर्ड वन, हाँ अपूर्वा को थर्ड में बहुत सीधा है अपूर्वा, 5 बॉन्ड शिफ्ट होएगा, 5 बॉन्ड शिफ्ट होएगा तो प्लस चार्ज शिफ्ट होएगा, सिंपल, एक साइड इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक साइड वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है, किसी कार्बन ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या, तुम उसके ऊपर ही क्यों प्लस चार्ज रखोगे, दूसरा कार्बन पे क्यों नहीं रखोगे, एक के पास डबल बॉन्ड, एक के पास प्लस चार्ज, बहुत ना इंसाफी है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। Let us get on with the chapter, which is basically benzene. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था about आ गया, just hold on. क्यों है बार बार से अच्छा यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, चैट चैट कहा गया, चैट गंदा हो गया, हाँ ठीक है, प्लीज टेल अदर टीचर्स टू स्विच टू ब्लैक स्क्रीन। मैं कैसे बताऊंगा यार, तुम बताओ, तुम लोगों को ज्यादा टेक्नोलॉजी समझ में आ गई है, अब तुम बता देना, सब लोग अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, है ना। चलो, नाउ दीज आर सम कंपाउंड्स, हैव अ लुक। ठीक है, सब लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन में आप लोगों को ये दिख रहा है, देयर इज अ बेंजीन, है ना, बेंजीन है आपके पास, टोलुइन है आपके पास, this is naphthalene, डाम्बर की गोली बोला था ना, this is naphthalene, this is a biphenyl ring, so these are all benzenoids, तो अपना major, आपको सच बताऊं तो major questions जो हम लोग deal करेंगे that will be about benzenoid compounds, ठीक है, non benzenoids में अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा question आएगा तो वही aromaticity को लेके आएगा कि compound aromatic है, anti aromatic है, and that's it, major अपना जितना भी है classification अपन aromatic इसी को study करेंगे, benzene के derivatives। Now, nomenclature की बात करते हैं तो देखो nomenclature में benzene का nomenclature comparatively easier है, IUPAC नाम लिखना ज्यादा easy होता है, इसके जो common name है इनको याद रखने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। ठीक है, common names में अभी आपको इनके नाम याद रखने होंगे, जैसे this is toluene, toluene मतलब benzene के ऊपर आप देख सकते हो क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज ऑर्थो ज़ाइलीन, तो बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला ऑर्थो पोजिशन पे है। ठीक है, इन फर्स्ट एग्जाम्पल हाउ डज ऑल्टरनेट पोजिशन पे जाएगा या नहीं जाएगा डिसाइड वेदर इट्स एरोमेटिक और नॉट, साहिल ऑल्टरनेट पोजिशन पे जाएगा या नहीं जाएगा वो एरोमेटिसिटी डिसाइड नहीं करता है। ठीक है,
एरोमेटिसिटी डिसाइड करने के लिए आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, एंड दैट इम्पोर्टेंट चीज इज कि इट हैज टू बी अ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेशन वाले इलेक्ट्रॉन पेयर। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि जो अल्टरनेट या बाजू बाजू के पोजिशन में वो मूव कर रहा है, ये सब एक क्लोज्ड लूप में प्रेजेंट है। एंड दूसरी बात, इट हैज टू बी इन सेम प्लेन, ऑल ऑफ देम हैव टू बी इन सेम प्लेन। ठीक है, बस ये दो चीज अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एरोमेटिक मिल जाएगा, बाकी उसमें आपका इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन से वो मतलब किस किस इस पे जा रहा है। ठीक है, हमारे कॉलेज का हाइड्रोजन डेरिवेटिव पे एग्जाम है, तो क्या आप थोड़ा उसे रिवाइज करवा देंगे? आयुष नहीं, सॉरी यार, देखो मैं तुमको ये बता रहा हूँ, देखो तुम्हारा कॉलेज वॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है, तुम कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा फालतू टाइम वेस्ट है। ठीक है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस थिंग, जो तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो एग्जाम का पर्पज ये है कि 16 लाख लोग हर साल जेईई देते हैं, ठीक है, और करीब करीब सेम 15-16 लाख लोग नीट देते हैं। ये 15-16 लाख लोगों में से 10,000 से 15,000 लोग सिलेक्ट होंगे दोनों एग्जाम्स के थ्रू। ठीक है, अब तुम मेरी एक छोटी सी बात समझ लेना कि वो एग्जाम जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसका मेन पर्पज ये है 16 लाख में से सिर्फ 10,000 लोग को छाट के साइड में रखो, बाकी सबको हटा दो। ठीक है, यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट, वो जो होता ना एक हाथ आया और उठा के इतने लोगों को लेके गए, यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। बोर्ड क्या है? बोर्ड का एग्जाम इज जस्ट अ स्टूपिड प्रोसेस जहां पे ये होता है कि 35% के ऊपर ले आओ सब पास हो जाएंगे। ठीक है, अब यार आप इमेजिन कर लो आपको किस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्कूल का, बोर्ड का, एग्जाम का कोई भी ऐसा मतलब क्या बोलते हैं शेड्यूल आए, पैटर्न आए, कुछ भी आए, उसको लेके मेरे को बॉदर मत करना प्लीज, है ना। केमिस्ट्री में तुम्हारे स्कूल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से तो नहीं पढ़ा रहा, अपने को उसके एक लेवल आगे जाना है। ठीक है, अगर हम कॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे भी तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको टॉप 5% में आना है। ठीक है, और अगर ये एग्जाम की बात करें नीट और जेईई, तो उसमें हमको टॉप 2%, टॉप 1% में पहुंचना है। अब आप थोड़ा सा सोचो यार, अपन जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी के बीच में अगर हमसे बोर्ड के एग्जाम को, आपका जो स्कूल का टेस्ट है, क्विज है, उसके लिए अगर अपन तैयारी करने में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना मेन पर्पस डिफीट हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये सिक्वेंस को अभी हमने तोड़ेंगे नहीं, इसको हमको जिस सिक्वेंस में मैं ले जाना चाहता हूँ उस सिक्वेंस में तुमको फॉलो करना होगा। अदरवाइज जो एक होता है ना, एक वो सैंक्टिटी उसकी ब्रेक हो जाती है। अभी अल्काइल हैलाइड मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया और मैं आपको वो पहले बढ़ा दूं तो फिर क्या मतलब। ठीक है, बोर्ड के बारे में कोई नहीं पूछता, कल उठ के आप जाओगे, कल उठ के आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज के बाद MBA करोगे, कॉलेज के बाद मास्टर्स करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, PG की तैयारी करोगे, बोर्ड का मार्क कोई नहीं पूछेगा। बेटा बोर्ड में तुम्हारे 80% क्यों थे, तुमने IIT में क्रैक कर लिया, बोर्ड क्यों नहीं जा पाए, बोर्ड क्यों नहीं पढ़ पाए, एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हो लेकिन बोर्ड में तुम्हारे 80% है, ऐसा कोई सवाल पूछेगा तो यार फिर आप क्या बोलोगे उसको? बोलेंगे तू जान दे भाई, तू रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों एग्जाम का वो अलग है, तो वो सोचो भी मत, अपने आप पे उसका प्रेशर भी मत डालो। दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग इट टू यू राइट अवे। एंड आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और बेंजीन के कंपाउंड्स की। ठीक है, सो दीज आर कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन, नाम याद रखना है आपको। ठीक है, अगर आप अपने पास NCERT लेके बैठे हो तो कोशिश करो पेंसिल से इन सब चीजों को टिक कर दो। ठीक है, ऑर्थोजाइलिन की हमने बात किया था, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, इन दोनों की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, लो भाई जयान का कहना है अगर बाय चांस IIT नहीं हुआ तो फिर बोर्ड ही बचाएगा। दोस्त IIT नहीं हुआ तो NIT है, BITS है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, महाराष्ट्र से हो ना, महाराष्ट्र में पुणे में जाओगे तो कहाँ किस किस बेसिस पे मिलेगा, है जी मीन्स के मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा। अगर तुम सच में बोर्ड से CET है ना यार, ये सब के नीट वालों का क्या होगा? नीट वालों के लिए यार देखो, नीट वालों के लिए नीट है, MCET है ना, ऐसे ज्यादा एग्जाम नहीं है नीट वालों के लिए, तो नीट वालों को मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, नीट वालों को तो बोर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, लेकिन स्टिल ऑल द मेन मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे तुम अपनी पढ़ने की इच्छा रखते हो वो सारे के सारे तुम्हारे इनके थ्रू ही मिलेगा। अच्छा एक छोटा सा सवाल और, ठीक है, जस्ट एक सिंपल सा सवाल,
नीट वालों की जिंदगी अनफेयर है सेम ऐसा नहीं है यार, अब क्या कर सकते हैं, दैट्स इट। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बराबर है, अगर मैं आपको केमिस्ट्री की बात बताऊं तो जो सिलेबस है ठीक है, सिलेबस जो आपका आएगा जो बोर्ड्स का सिलेबस है उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा सिलेबस किसका है, जेई मेंस और नीट का, सही बात बोल रहा हूं मैं, उससे थोड़ा ज्यादा सिलेबस किसका है, जेई एडवांस का ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप जेई मेंस और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आपका बोर्ड का प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा? इसके लिए कुछ अलग से सीईटी भी आप यहां भी पकड़ सकते हो ठीक है, सीईटी जेई मेंस नीट ऑलमोस्ट सिमिलर है सबका सिलेबस, सीईटी में थोड़ा क्वेश्चन सिंपलर होता है बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है और टाइम कम होता है ठीक है, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम कर दिया जाता है ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये सारे के सारे एग्जाम्स जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है, इनका जो भी आपका सिलेबस है ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज सुपर सेट है ना, सुपर सेट ऑफ बोर्ड्स का सिलेबस। तो ऐसा तो नहीं है बोर्ड्स के लिए तुमको एकदम अलग जाके मार्स पे कोई अलग चीज की तैयारी करना है, इसकी तैयारी करोगे तो बोर्ड्स की तैयारी हो जाएगी, अगर आपने इसकी तैयारी ढंग से नहीं किया है तो आप कितना भी मेहनत कर लो बोर्ड की तैयारी में भी आप गड़बड़ कर ही दोगे ठीक है। तो प्लीज अपना जो एम है छोटा मत रखो, एम बड़ा रखो ठीक है, शूट फॉर द स्टार एटलीस्ट यू विल रीच द मून है नंदलेस, तो ये सब अंदर से डर निकाल दो यार ठीक है, अपन बहुत लंबी लंबी रेस दौड़ना है, अभी तो अपन बहुत बात करेंगे ये सारी चीजों के बारे में, जिंदगी की सारी ये प्रॉब्लम्स को लेके ठीक है, लड़ाई सिर्फ अभी शुरू हुई है, ये मत सोच लेना एग्जाम के बाद हम लोग एकदम गॉड लेवल बन गए ठीक है। बड़े बड़े आंसर्स और लैंग्वेज, राइट द आंसर्स प्लस स्पीड, कोई कोमल तुमको सच बताओ, अभी यार देखो डिस्कशन अपना डाइग्रेस हो रहा है ठीक है, शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू लैंड अमंगस्ट द स्टार्स, श्रिया उल्टा हो गया ना, मून नजदीक है स्टार दूर है यश मेरा रैंक था 2204, मेरा जेई रैंक था 2204, उसके बाद मैं गया था आईआईटी खड़गपुर, वहां पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैन्युफैक्चरिंग साइंस इसमें अपना बीटेक कंप्लीट किया, मेरा बोर्ड्स का मार्क था 85%, बोर्ड्स के लिए मैंने पढ़ाई किया था 4 days पर सब्जेक्ट ठीक है, और जो फिजिकल एजुकेशन था उसके लिए सिर्फ एक ही दिन पढ़ाई कर पाया क्योंकि मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था ठीक है, थैंकफुली मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था ठीक है। अभी आप लोगों को मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, ये जो 4 दिन है ना, ये 4 दिन में आपके बोर्ड्स की तैयारी हो जाएगी, कैसे, आपको पिछले 10 साल के पेपर उठाने हैं ठीक है, 10 साल के पेपर में जितने क्वेश्चन आ गए हैं उसके आपको मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे, वो मॉडल आंसर्स पढ़ लो, अगर जेई की नीट की तैयारी कर रहे हो तो इतनी तो दिमाग आ ही जाएगा कि वो मॉडल आंसर पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या लिखना है ठीक है, और आप उसके बाद बोर्ड्स फोड़ के आ सकते हो ठीक है। अब प्लीज मैं ये टाइम आज स्पेशली डाल रहा हूँ बिकॉज इसके बाद मैं वापस आपके साथ ये डिस्कशन नहीं करना चाहता, तो वापस कोई भी मेरे साथ ये डिस्कशन ना करे कि हम बोर्ड्स की तैयारी कैसे करें ठीक है, क्योंकि आई जस्ट फील वेरी इरिटेटेड टू बी वेरी फ्रैंक ठीक है ना, इसलिए मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, इसलिए आज अपना पहला डिस्कशन है उसी में मैं बता देना चाहता हूँ, लेट्स नॉट गेट ओवर देयर ठीक है। चलो केकुले के बारे में बाद में बात करेंगे, केकुले ने कुछ कुछ कंपाउंड्स बना दिया था, ट्राई करके देख रहे थे कि कैसा होगा स्ट्रक्चर, अब हम आते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये 2 स्ट्रक्चर है आपके सामने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये वाला एक स्ट्रक्चर ठीक है, ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर को, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग जो होता है ना, बेंजीन रिंग अगर आप रियलिटी में देखना चाहो तो वो इस तरह का नहीं दिखता, इस तरह का दिखता है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देख रहे हो आप फिगर 13.7 को देखो सब लोग ध्यान से ठीक है, बेंजीन रिंग इज अ प्लेनार कंपाउंड, इस प्लेनार कंपाउंड में आपस में जरूर बॉन्डिंग है लेकिन जो मेन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटीज है वो डेंसिटीज पैरेलल
टू द प्लेन ऑफ इंटर पैरेलल टू द इंटर न्यूक्लियर प्लेन आप कह सकते हो, है ना। तो ये अगर आपका इंटर न्यूक्लियर प्लेन है जिसपे सारे के सारे एटम के न्यूक्लियस बैठे हुए हैं, तो इस प्लेन के पैरेलल में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज फ्लोट हो रही होंगी। दिस इज बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज हाउ इट एग्जिस्ट। हाँ, बर्गर के जैसा, ये श्री आप कह सकते हो, बर्गर के जैसा, सैंडविच के जैसा, नहीं परफेक्ट यार, मैंने कभी इसको बर्गर की तरह सोचा नहीं। नाउ आई एम नॉट एबल टू टेक इट ऑफ माई माइंड, ठीक है, बर्गर है और बीच में चीज है। नाउ दिस इज द रीजन कि ये जो बेंजीन रिंग है कि कई टाइप के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में आगे बढ़ता है, ठीक है। इसमें आपको मैं कुछ कुछ के बारे में बताऊंगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है, ठीक है, बेंजीन जो है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो बेंजीन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कई बार डोनेट कर देता है। तो बाय द एंड ऑफ आई थिंक इन दिस चैप्टर और मे बी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में अपन ये भी बात करेंगे कि बेंजीन मेटल्स के साथ कैसे बॉन्डिंग करता है, ठीक है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन शोज चेयर फॉर्म, नहीं चिन्मय, यू आर गेटिंग डाइग्रेस। वो चेयर फॉर्म होता था साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन के सारे कार्बन sp3 थे, बेंजीन के सारे कार्बन sp2 है, बट मेटल बिकम्स अनस्टेबल, नो तुहिन, इट डज नॉट बिकम अनस्टेबल। ऑर्गेनोमेटेलिक्स इज अ वेरी वेरी बिग वास्ट फील्ड, इसको लेके अपन फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, नहीं तो वापस मैं अगेन इलेक्ट्रॉन का आशिक है, नहीं ये सजेंगे, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ के बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स मूव कैसे करते हैं, ठीक है। आप ये सोचो, ये जो है, ये जो ऑर्बिटल्स है, आई थिंक आपको ये चीज तो सबको क्लियर है ना, केमिकल बॉन्डिंग में अपन मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग नहीं करवाया था ना, आई डोंट नो क्या करवाया था, मैं भूल भी गया। केमिकल बॉन्डिंग में जनरली हम लोग बात करते हैं कि जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, कोई एक कार्बन है, कार्बन तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड को आप हाइब्रिडाइजेशन में गिनते हो, एंड उसके चलते बेंजीन के हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, ठीक है। तो बेंजीन को अगर आप देखोगे तो सारे के सारे कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, दो सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, सॉरी, दो सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इन सब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास वेकेंट एक ऑर्बिटल होता है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो दिस पी ऑर्बिटल हैज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पी ऑर्बिटल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में डबल बॉन्ड बना के पेयर अप हो जाते हैं, और वी कॉल दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग एज पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो अपन अभी आगे गए नहीं है, डी ब्लॉक भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तो तब मैं आपको पी पाई डी पाई के बारे में भी बात करवाऊंगा, तो लेकिन यहाँ पे सिंपली वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं इंक्लूडेड था, एंड इट फॉर्म्ड अ डबल बॉन्ड, एंड वी कॉल दिस काइंड ऑफ अ बॉन्ड एज अ पी पाई बॉन्डिंग। तो बाकी तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बॉन्ड घूमेंगे कैसे, मतलब ये कार्बन, अगर मैं एक कार्बन हूँ, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, ठीक है, मैंने इधर वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो ये वाला कार्बन बोलेगा कि भाई मैंने क्या बुरा किया, तुम्हारे क्या बिगाड़ दिया, तुम मेरे साथ क्यों बॉन्ड नहीं बना रहे, तो इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ के इस वाले कार्बन के ऊपर बॉन्ड आप शिफ्ट कर देते हो, तब इसके साथ बॉन्ड बन गया, दैट्स इट। एक कार्बन यही कर रहा है, कभी इसके साथ बॉन्ड, कभी इसके साथ बॉन्ड, हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब ये जो रेजोनेंस है, दिस एक्चुअली गिव्स राइज टू ऑल द रिएक्शन मैकेनिज्म्स जिसका बेंजीन पार्ट बनता है, ठीक है। तो बेंजीन की जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस अपने आप में बहुत यूनिक रिएक्शंस होती है, इनके बारे में अभी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे साइक्लोपेंटा डाइनाइल अनायन, अच्छा ये देखो, एक ये देख रहे हो, एक और एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड का, हकल्स रूल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मैंने बोला था कि मोस्टली आपके पास बेंजीनॉइड होते हैं, ये देखो यहाँ पे 7 मेंबर्ड कार्बन का रिंग है, ठीक है, दिस इज साइक्लो हेप्टा, क्योंकि 7 मेंबर्ड कार्बन रिंग, ट्राइनाइल, ट्राइन और आइल, आइल बिकॉज इट्स अ कटायन, तो दिस इज अ
नॉन बेंजेनॉइड टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, क्यों? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है सबको? मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस प्रणव, अपन बात करते हैं उसके बारे में, है ना? ठीक है। नाउ दीज आर सम ऑफ द अदर कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। अगेन ये एंथ्रासीन है, ये दिस इज फिनैंथ्रीन। ठीक है, इनके सब अपने अपने अलग अलग इनके एप्लीकेशन होते हैं। आई डोंट थिंक इनके एप्लीकेशन के बारे में आपको ज्यादा कुछ स्टडी करने की जरूरत है। एक 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 चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा रिवील्स दैट द बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, द टू टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड लेंथ वेर एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो केकुले थे ना, केकुले ने बोला था कि दो स्ट्रक्चर बनेंगे, उनको वो रेजोनेंस नहीं पता था। ठीक है, तो उनको लगा था दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको जो ये है यहाँ पे सीसी बॉन्ड लेंथ आर ऑफ सेम ऑर्डर 139 पिकोमीटर। ये जो चीज है ये आपको याद रखना कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज 139 पिकोमीटर। नाउ अगेन जेई में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे रटने वाले क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स अगर आप पैटर्न देखो तो इस टाइप के क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। तो नथिंग एल्स, एटलीस्ट आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पे किस रेंज में बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, दैट्स इट। चलो, तो दैट्स ऑल अबाउट बेंजीन रिंग, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से सेम बॉन्ड लेंथ हो जाता है, बिल्कुल सही बात। नक्षत्र एंथ्रेक्स क्या बोल रहा है, मैं समझ में नहीं आया। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स कुछ तो डिजीज था ना, क्या था एंथ्रेक्स? एंथ्रेक्स मेरे को क्यों याद आ रहा है, ये कुछ तो एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इट इज अ बैक्टीरियल इन इलनेस। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम, mainly affects animals. Human can become affected through contact with an infected animal or by inhaling spores. मुझे क्यों तो एंथ्रेक्स को लेके कुछ तो याद आ रहा था कि it was some part of some terrorism through anthrax, ऐसा कुछ था। It's a bio weapon, right? Yes, Rishi, वही वही को लगा था। In cattle, gram positive bacteria से होता है। अच्छा, okay, perfect. As bad as bubonic plague. ठीक है, this is not anthracene. I know where you got from that whole idea. But ठीक है, ये और वो अलग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं preparation of benzene. ठीक है, so preparation of benzene में सबसे पहला क्या है, cyclic polymerization of ethyne. चलो शुरू करते हैं अपन। क्या आप मुझे जल्दी से बता सकते हो, ठीक है, आकाश का सवाल है, क्या कोविड भी एक बायो वेपन है? आई एम नॉट रियली श्योर, ठीक है, बट इफ इट इज अ बायो वेपन इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स टू अंडरस्टैंड। आई थिंक बाय दैट टाइम इट विल हैव टेकन इट्स टोल। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, सबसे पहला From ethyne. अब इसका अपन एक नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे, एक जेनरिक सा भी रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ बेंजीन की बात करेंगे, हम थोड़ा सा एक दो और कंपाउंड भी बीच में घुसेड़ देंगे। ठीक है, बेंजीन की अगर बात करें तो इथाइन का आप लोगों को याद है, ये रिएक्शन हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में पढ़ा था। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में आपको याद होगा तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब ऐसा ही था क्या? नहीं याद आ रहा हेत को, चलो कोई बात नहीं, मैं तो याद दिलाई दूंगा। कितनों को याद आ रहा है, सही बोल रहा हूं मैं? ट्राइमराइजेशन ऑफ इथाइन, यस। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन में रेड हॉट कॉपर ट्यूब के थ्रू जब आप अल्काइन को पास करते, बहुत प्यारी रिएक्शन, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, और इसी में है, ये देखो, ये 13.4.4 बोल रहा है ना, जहां पे ये जस्ट एरोमेटिक स्टार्ट होता है ना, उसके पहले ही ये रिएक्शन, आई थिंक यहीं पे कहीं पे होना चाहिए था।
अल्काइन में एडिशन, डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ वाटर, पॉलीमराइजेशन, यस यस, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये देखो दिस इज पेज नंबर 396। अभी मैंने ये तो यार गूगल करके एनसीईआरटी देखा, तो आई डोंट नो आपके इसमें एग्जैक्ट ये पेज नंबर पे होगा क्या। दिस इज द रिएक्शन, रेड हॉट कॉपर ट्यूब एट 600 डिग्री सेल्सियस। क्या है आपके पास? आपके पास है इथाइन, ठीक है। नाउ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो देखो मोस्टली है ना एनसीईआरटी में सारा केल्विन में दिया होता है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों तो केल्विन याद रखने में डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं जनरली सबको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। क्या होगा इसमें, यहाँ पे ना ट्रिपल बॉन्ड में से एक एक बॉन्ड ओपन हो जाता है, ठीक है, एंड आपका बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाता है ना। ट्रिपल बॉन्ड का एक एक बॉन्ड खुल गया, इमेजिन कर पा रहे हो ना सब लोग, ठीक है। अपूर्वा का कहना है इज दिस 12th एनसीईआरटी ऑफ महाराष्ट्र, ये अपूर्वा आप, आप, आप हाँ आयरन भी ले सकते हैं क्या? यस कार्तिक, आयरन भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जनरली कॉपर आपको दिखेगा, कुछ एक हाथ जगह पे आपको आयरन दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एग्जाम्स में ही होगा, एनसीईआरटी में अगर आपको बोर्ड्स में आया तो बोर्ड में कॉपर ही लिखना, ठीक है, आयरन नहीं लिखना, बट आयरन भी आपको एक हाथ जगह पे देखने मिलेगा, ठीक है। इसमें अपूर्व एज लॉन्ग एज आई नो ऑफ एनसीईआरटी जो अपना सीबीएसई वाला है और महाराष्ट्र बोर्ड वाला जो बुक है, दोनों ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर है, लाइक 98% सिमिलर है, एक हाथ 2% इधर उधर होगा, लेकिन वो भी रटने वाले पार्ट में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी तो यस ऑल ओवर इंडिया सेम ही होता है। चलो आपको ये समझ में आ रहा है, इथाइन से मैं बेंजीन बना सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन इसको ट्विस्ट करते हैं, व्हाट इफ आई हैव प्रोपाइन, यस दिस इज 11th का केमिस्ट्री कार्तिक, करेक्ट। व्हाट इफ आई डोंट हैव इथाइन, आई हैव प्रोपाइन, प्रोपाइन कैसा दिखता है, दिस इज प्रोपाइन, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार रिएक्शन है। किसको पता है कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का कॉमन नेम क्या है? ये आपको समझ में आ रहा है ना, थ्री मॉलिक्यूल्स लगेंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, आपको थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन लगेगा, ट्राई मिथाइल बेंजीन, वेरी गुड चिन्मय, नाम पता है क्या इसका, वेरी गुड प्रणव, दिस इज मेसिटिलीन। सेम रिएक्शन, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, अप्रोक्स 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको क्या मिलेगा इस बार, आपको मिलेगा बेंजीन के 1, 3 और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, ये था आपका कौन, दिस वॉज बेंजीन, दिस इज मेसिटिलीन, ठीक है। 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, IUPAC अगर नेम कोई पूछे तो इट इज 1, 3, 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और जनरली मेसिटिलीन, अब ये मेसिटिलीन ये वर्ड आपको JEE के लिए भी रखना है याद, ठीक है, ये नाम आपको JEE के लिए भी याद रखना है, ये नाम आपको नीट के लिए भी याद रखना है, दोनों में डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अजिंक्या क्यूमीन नहीं है, ये क्यूमीन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।
एक रिएक्शन आगे अपन पढ़ेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड रिएक्शन, बहुत अच्छी रिएक्शन है, अल्कोहल में देखेंगे अपन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? इथाइन से बेंजीन बनाने का तरीका, दैट इज फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन क्या है देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में सेकेंड सीधा डीकार्बोक्सिलेशन दिखाया, चलो ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ भाई, कोई दर्द में है, किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हेवी हो गया, कुछ भी हो गया, बता देना, ठीक है ना। सेकेंड रिएक्शन इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इधर COOH निकल के H आएगा, बहुत बढ़िया प्रणव। अब आपके पास एक बेंजोइक एसिड है, ठीक है, दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में आप डालते हो NaOH प्लस CaO के मिक्सचर के साथ हीट। ये जो NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर है इसको बोलते हैं सोडा लाइम। तो सोडा इज बेसिकली NaOH, CaO इज लाइम, सोडा लाइम मिक्सचर होता है। हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, हीट करने पे आपको क्या मिलता है, सोडा लाइम में से सॉरी ये जो COOH है, COOH उड़ जाता है, निकल जाता है, और जहां से COOH निकलता है वहां पे आपको हाइड्रोजन मिलता है। तो साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा Na2CO3। आपको याद है अल्केन प्रिपरेशन प्रोसेस में आपने ये रिएक्शन देखा है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड से एल्केन बनाने का जो तरीका है, दो तरीके है, ठीक है। एक तरीका क्या है, एक तरीका है आपका कोलबेस, करेक्ट, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस वाला, और दूसरा तरीका है आपका ये, ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अगर मैं इसके प्रोसेस की आपके साथ डिस्कशन करूं कि ये किस तरह से काम करता है, तो जनरली ये रिएक्शन जो है इसमें जो COOH होता है ना, COOH को आप हीट करते हो। अरे मेरे ऑरेंज पेन का आ गया, ऑरेंज चाहिए मेरे को, ऑरेंज। स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में आपका ये क्या बन जाता है, दिस बिकम्स COO-। यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, COO-। वुड्स भी पढ़ा है ना आपने, वुड्स, लेकिन वुड्स जो है यश, अल्काइल हलाइड से अल्केन बनाता है, ठीक है। सोडा लाइम और कोलबे जो है ये डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बनाएंगे, ठीक है। हाँ साहिल, वही उसी पे आ रहा है, ठीक है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है ना, मतलब साइज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा नेक्स्ट चीज, ये माइनस चार्ज यहां पे शिफ्ट होगा, और ये माइनस चार्ज शिफ्ट होगा, और ये जो आपका बेंजीन रिंग है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा। एरो सबको समझ में आ रहा है, ऑरेंज में जो लिखा है फिर से रिपीट करो, ठीक है कोमल, ध्यान से देखो, COO का जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज किस पे शिफ्ट होगा, कार्बन पे, क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O बनाना चाहता है वो। नाउ द मोमेंट वो C डबल बॉन्ड O बनाना चाहते है, उसका भी एक है, ये देखो सारे सारे स्टेप का अपना एक अपना मोटिवेशन है, वो C डबल बॉन्ड O इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो CO2 बन के हटना चाहता है, और CO2 बन के हटने में मदद कौन कर रहा है, मदद कर रहा है NaOH, क्योंकि थोड़ा सा भी मॉलिक्यूल CO2 बन के हटेगा NaOH उसको गपोच लेगा और उसको Na2CO3 में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज CO2 इज एन एसिडिक गैस, ठीक है। और आपके पास पीछे बचेगा क्या, आपके पास बनेगा फिनाइल, फिनाइल ग्रुप। नाउ रिएक्शन डज नॉट एक्चुअली हैपन दिस वे कि आपके पास ऐसा लुखा सा एक फिनाइल रिंग घूम रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। द मोमेंट वहां पे सॉल्यूशन में से देखो, आपको पहले सबसे पहले पता है ना, ये जो H+ था उस H+ को तो बेस ने हटाई है, तो वहां पे सॉल्यूशन में हल्का सा तो वाटर एग्जिस्ट करता है, जितना भी वाटर एग्जिस्ट करता है उसी के ऊपर ये फिनाइल रिंग अटैक कर देगा, ठीक है।
तो फिनाइल रिंग अटैक करेगा किसके ऊपर, एच प्लस के ऊपर। तो इमीडिएटली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे ऐसा बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिनाइल रिंग बेंजीन में कन्वर्ट हो गया और आपका जो CO2 था वो CO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 में कन्वर्ट हो गया। ये क्लियर है सबको मैकेनिज्म? इधर CaCO3 भी बन सकता है, हाँ बनने को तो बन सकता है, लेकिन क्या होता है ना ये जनरली क्या बोलते हैं अपना सोडा लाइम जो होता है ना उसमें CaO सॉलिड के फॉर्म में होता है जनरली, ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता। तो CaO सॉलिड के फॉर्म में होता है तो Na2CO3 पहले बन जाता है। अभी CaO वहां पे बैठा रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में तो थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो यार पाप तो है नहीं उसमें कोई, ठीक है। बुक में अपने को Na2CO3 लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसको लेकर। डन, मैकेनिज्म समझ में आया क्या आपको? ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया, चलो तो हमने दो बेंजीन बनाने के दो प्रोसेस देख लिए, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड वन। क्या है थर्ड? रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अब इसमें कोई प्रोसेस नहीं, रिडक्शन विद मेटल जो है ना, रिडक्शन विद मेटल सीधा सीधा होता है, ठीक है। अंटिल एंड अनलेस, मतलब जब तक मैं बताता नहीं हूं तब तक आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन जनरल कहीं पे भी अगर आपको रिडक्शन विद मेटल ये बताया जाए ना तो आपको सीधा एंड प्रोडक्ट पे पहुंचना है, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है उसमें। बेंजीन मेरे को कुछ इसमें स्पेसिफिक बताना था क्या? नहीं, ठीक है, ठीक ठीक है, बाद में देखते हैं उसको और बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना Using phenol, ठीक है, तो reduction of phenol is the third. ये बहुत ही मतलब आपको सच बताओ तो एकदम important reaction है, इसको आपको याद ही रखना है। इसमें कुछ मतलब मैं ऐसा कोई खास काम नहीं कर सकता आपको इसको लेके, ऐसा इस पे क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है, जेई में, नीट में, सीईटी में, हर 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 एग्जाम में आया है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। जिंक पाउडर हीट डायरेक्ट रिडक्शन होगा, रिडक्शन का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? बेंजीन, साथ में क्या मिल जाएगा? ZnO मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम विच चैनल वी कैन स्टडी, वॉच योर प्रीवियस चैप्टर्स। राज और रुचा का सवाल है, प्रीवियस चैप्टर्स कहाँ से स्टडी कर सकते हैं? या प्रीवियस चैप्टर्स को लेके अगर तुमको कुछ इश्यू हो तो मेरे को बता देना, मैं एक सेशन रख दूंगा, एक अलग सेशन, ठीक है। बाकी चैनल से यार मैं तुमको सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज दोज आर बेसिकली लाइव सेशंस, ठीक है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो वैसा ही वो सेशन है, तो इस सेशन का जैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है वैसे उस सेशन का भी रिकॉर्डिंग था, लाइव सेशन था, तो रिकॉर्डिंग लाइव है ना। तो अगर तुमको ऐसे कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है तो आई विल प्रिफर कि हम लोग एक डाउट सेशन या कुछ ऐसा सेशन रख के उसमें अपन कर लेंगे कवर, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर्स पे सेशन, तो आपको कौन सा चैप्टर पे सेशन चाहिए वो मुझे बता दो, ठीक है, या फिर एटलीस्ट मैम को बता दो। रिएक्शन मैकेनिज्म का चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया मुझे, GOC रिएक्शन मैकेनिज्म का चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे, एक सारे ऑर्गेनिक का वन शॉट करो आइसोमेरिज्म भी करना है, बाप रे, कैसे करें, सोचते हैं, दो थोड़ा टाइम दो मुझे, है ना। आप एक काम करो, जिन जिन बिकॉज क्या है देखो, हर किसी को 6 to 8 hours वन शॉट। जीओसी का तो मैंने वैसे वन शॉट लिया है, ठीक है, जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म का आपको एक 5 घंटे का वन शॉट मिल जाएगा मेरा, वन शॉट जीओसी रोहित चोटा ही सर्च करना शायद मिल जाए, ठीक है। तो वो एक सेशन आपको मिल जाएगा, ब्रेक 2 मिनट दे दो, है ना, 2 मिनट दे दो बस, एक 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 रिएक्शन और खत्म करते हैं। हाँ वही सिद्धार्थ, प्रॉब्लम वो है कि नीट का वन शॉट है, ठीक है, तो जेई मेन्स तक के लिए ठीक है, एडवांस के लिए नहीं बोलूंगा मैं,
एडवांस के लिए मेरे को कुछ चीजें और करवानी पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अपन एक इंडिविजुअली अलग एक सेशन करके उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल को लेके, रिडक्शन ऑफ फिनॉल दिस इज द दैट्स इट, इसको अपना बेंजीन के प्रिपरेशन में ही अभी तक अपने पास एनसीईआरटी में तीन ही रिएक्शन है, ठीक है? इनको छोड़ के अपन एक्स्ट्रा सेशन लू ना जैन, या तुमको एक बार बुक करना पड़ेगा। ओवरनाइट लेक्चर नहीं आयुष, ओवरनाइट लेक्चर में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों को स्ट्रेस हो जाओगे, तुम नेक्स्ट दिन स्ट्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है? तीन घंटा पढ़ेंगे, तीन घंटा गेम्स के लिए दहाके। चलो एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? अपन 7:30 को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे की कहानी, ठीक है? If zinc is not powder, then reaction will not occur. तुहीन ऐसा नहीं कह सकते, जिंक पाउडर से ये होगा ना कि रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, सरफेस एरिया वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है ना, सरफेस केमिस्ट्री वाला, बस वही है। When is your new channel coming? कल आ रहा है, अभी उसी का काम तो चल ही रहा है, hopefully कल इवनिंग में मैं ट्रेलर डालूंगा। अच्छा 10 मिनट दू, ठीक है, चलो ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, 7:35 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ध्रुव बताता हूँ, सब अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद। चल
चलो स्टार्ट करें कपड़े। सब लोग आ रहे हैं जल्दी से गाना हाय हेलो यस नो प्रीमियर जवाब दे दो। थैंक यू सो मच। बता ही देता हूँ कि मैंने चैनल का नाम तो आपको बताया था केमचो, दैट इज केमचो। एंड होपफुली कल देखता हूँ मैं, कल इवनिंग तक कोशिश यही है कि आप लोगों के साथ ट्रेलर एक टीजर कुछ तो शेयर किया जाए। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है, परफेक्ट। चल सो हम लोग बात कर रहे थे बेंजीन के प्रिपरेशन का। ना प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के कुछ एक दो और तरीके हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं एंड देन वी कैन मूव अहेड। एक कंपाउंड होता है डायजोनियम सॉल्ट। अपन क्या आप लोगों ने डायजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ा है? कितनों को याद है डायजोनियम सॉल्ट? हाँ भाई वो फिनॉल का दिखा दो एक बार। ठीक है मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट होगा। हाँ दिख रहा है? हाँ डायजोनियम सॉल्ट देखा है ना? ठीक है जिन्हें नहीं देखा एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है वेरी सिंपल रिएक्शन। तो NaNO2HCl बहुत बढ़िया है यश। ठीक है तो अपन बात करते हैं डायजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाने का रिएक्शन। बहुत डायजोनियम सॉल्ट अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यार आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा लिविंग ग्रुप इसमें लगा हुआ है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है तो एक बार पहले जल्दी से देखते हैं कि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनेगा कैसे। अगर मेरे पास लेट से ये कंपाउंड है कि किसी को इसका नाम पता है ये कौन है? इस कंपाउंड में अगर मैं डालता हूं NaNO2HCl, ठीक है जनरली ये रिएक्शन के बारे में आपको यही दिया रहेगा कि दिस रिएक्शन हैपेंस एट अ वेरी वेरी लो टेंपरेचर। ठीक है जनरली 0 to 5 degrees Celsius पे रिएक्शन होता है। NaNO2HCl भी दिया जा सकता है, HNO2 भी दिया जा सकता है। ठीक है इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन। ठीक है एनिलीन में NaNO2HCl आप डालोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायजोनियम सॉल्ट। दिस इज द डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है और ये डायजोनियम सॉल्ट से यस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। ठीक है ये एनसीईआरटी में है क्या? हाँ ये एनसीईआरटी में है। मैं हानी जफार बुरे, ठीक है मैं आपको कौन से नाम से बुलाऊ? जफार बुला सकता हूँ। क्या होता है ना आप लोग पूरा नाम लिखते हो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है तो इट इज ऑलवेज बेटर उमे हानी। ठीक है तो मैं द आइडिया इज के डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा आफ्टर दिस पार्ट। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के दौरान अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है ये बाय द वे अपने को थ्रू आउट एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में अपन थ्रू आउट पढ़ते रहेंगे ना तो हर जगह पे आता रहेगा। बिकॉज अगर आप प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन ले लो, प्रिपरेशन ऑफ सम अदर बेंजीन डेरिवेटिव ले लो, सबसे इजीएस्ट तरीका होता है डायजोनियम का इस्तेमाल करके वो डेरिवेटिव बनाना। ठीक है जस्ट गिव मी अ सेकंड। देख लिया कर सो डायजोनियम की बात कर रहे थे तो डायजोनियम का अच्छा बात यह है
कि यहाँ पे N2 लगा हुआ है. व्हाट इज N2? इसको जरा ध्यान से देखना इस चीज को, मतलब ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N और इस वाले N पे प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज है तो बाजू में एक सॉल्ट है तो आयन रहेगा, एक अनायन भी वहां पे रखना होगा, ठीक है. अच्छा आर्यन, यू हैव हेयर लाइक मी, थैंक यू. सही है. तो N2 जो है ना, N2 इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, नाइट्रोजन गैस है वो, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. अब दिक्कत वाली बात है, आप ये सोचो, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग में जिसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, अगर इस पोजीशन पे आपके पास प्लस चार्ज आ जाए तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है. तो जनरली यहाँ पे हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड होता है कि कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, ताकि वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये जो लिविंग ग्रुप है उसको डिस्प्लेस करते, ठीक है. तो आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पे हमें एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें न्यूक्लियोफाइल कैन बी अ H-, ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ये बात सबको समझ में आई? N2+ इज अ लिविंग ग्रुप. N2 अगर छोड़ के चला गया, ठीक है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेके जाएगा, उस पर तो प्लस चार्ज आ रखा है तो लोन पेयर लेके जाएगा, और N2 अगर निकल गया तो आपका जो बेंजीन रिंग का कार्बन है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा. अब आप इमेजिन कीजिए, वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो sp हो जाएगा. अब साइक्लिक कंपाउंड, sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होता है, वाट लग जाएगी उसकी, समझ में आ रहा है? तो वो ऐसा होने नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो वेट करेगा. किसके लिए वेट करेगा? वो वेट करेगा किसी के अटैक के लिए, जनरली H- का अटैक के लिए वो वेट कर रहा है. आप ये कह सकते हो कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वो वेट कर रहा है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे उसको मिल जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग कंपाउंड विच इज बेंजीन इन दिस केस, ठीक है. तो दिस इज अ वेरी यूनिक रिएक्शन, आपको इसको याद रखना है, ठीक है. तो मैं काम करता हूँ, आपको ये सारे के सारे इसके जो रिएजेंट्स है ना, ये एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है. नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में ये नहीं है यार, शायद से तो नहीं है, मुझे याद नहीं आता, ठीक है. तो आप इसमें क्या यूज कर सकते हो, इसमें जनरली है ना, आप इथेनॉल के साथ अगर हीट कर दो, ठीक है, हीट भी मतलब क्या, वार्म कर दो, रूम टेम्परेचर पे लेके जाओ. ये इसका स्टेबल टेम्परेचर क्या है, स्टेबल एट 0 0 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल होता है, तो बहुत लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, तो इसको हल्का सा भी गर्मी मिल जाए, ठीक है, बेसिकली SN2 होगा, कह सकते हो अजिंक्य, क्या SN2 होगा. SN1 तो अपन करवा नहीं सकते ना, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है. तो इट इज वेटिंग फॉर अ न्यूक्लियोफाइल जिसका अटैक होते ही ये खट से निकल जाएगा. और वैसे भी अगर आप अगर इसको नॉर्मल पानी के साथ हीट कर दोगे, वहां पे OH लग जाएगा, ठीक है. मतलब आप सोचिए, डाई अजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया ना, इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू रिएक्ट विद, कुछ नहीं तो उधर वहां पे Cl- बैठा हुआ है, वो उधर चिपक जाएगा, लेकिन N2 को छोड़ के जाएगा, ठीक है. N2 इज अ स्टेबल कंपाउंड बाय इटसेल्फ, ठीक है. यू कैन यूज आइदर दिस थिंग, इसको वन नहीं लिख रहा हूँ, और करके लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 2 जनरली मैं तब यूज करता हूँ जब आप फर्स्ट स्टेप में ये डाला, सेकंड स्टेप में वो डाला, इसलिए C2H5OH और H3PO2, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, H3PO2. सोहम कह रहा है फ्रैंकलिन फिंकलस्टीन कहना चाहते थे शायद सोहम, तो फिंकलटीन फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स में भी यही यूज होता है. फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स में ये यूज होता है क्या? स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है पता है? फ्लोरिनेशन होता है. आपके पास एक हैलोजन है, बड़ा हैलोजन है, तो इन प्रेजेंस ऑफ Ca2F2 ले लो, या फिर आपका HBF4
फोर ले लो, है ना, इन इन सब के प्रेजेंस में अल्काइल हलाइड जो होता है, आयोडाइड जो होता है, आयोडाइड से फ्लोराइड बन जाता है, ठीक है, फ्लोरिनेशन होता है, तो ये नहीं होता वो, ठीक है। H3PO2 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अपन बात करेंगे इसके बारे में, पी ब्लॉक भी मैं आपको जब करवाऊंगा ना इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है, H3PO2 का। अच्छा एक छोटा सा सवाल, ठीक है, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे ये बता सकते हो H3PO2, ठीक है, ये जो कंपाउंड है फॉस्फोरस का एसिड है, इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, जल्दी से बताइए H3PO2 में कितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। क्या क्या सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है, सब आंसर दो, देखो सही गलत कुछ नहीं होता है ना, शर्माओ मत, कोमल एक ही बार आंसर दो भाई सबको आंसर देना है, ठीक है, आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूं एक बार, ठीक है, स्ट्रक्चर बताता हूं, फिर आप मुझे बताना फिर से कि H3PO2 का This is H3PO2. क्या आपको दिखा क्या एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? इट इज एन ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स में वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना होता है कि O और H अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, वो माइनस बचता है, H प्लस चला जाता है। तो दिस ऑल्दो सीम्स एज कि इसमें तीन एसिडिक हाइड्रोजन हो सकते हैं, ठीक है, या दो ऑक्सीजन है तो दो एसिडिक हाइड्रोजन हो सकते हैं, लेकिन आप अगर फॉस्फोरस की 5 वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे तो आपको सबको दिख रहा है देयर इज ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ओवर हियर। अब ब्यूटीफुल पार्ट बताता हूं, मैंने आपको क्या बोला था, N2 बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से अगर मुझे बेंजीन बनाना है तो कोई तो ऐसा चाहिए जो H माइनस का अटैक करवाए, ठीक है, कोई तो ऐसा चाहिए जो एक रिड्यूसिंग एजेंट का अटैक करवाए, ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पे वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है पता है, ये हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, ये हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच है, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बहुत क्लोज होता है, क्लोज टू 2.1, फॉस्फोरस का थोड़ा कम ही होता है आप कह सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होने के चलते हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाता है, एच माइनस यहां से निकल जाता है, ऑल्दो वी डू नॉट ट्रीट इट लाइक दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन, हम देखने में इसको एक रेडॉक्स रिएक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, बट टेक्निकली स्पीकिंग आई कैन से दैट डायजोनियम सॉल्ट गॉट रिड्यूस्ड, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एच माइनस एड हुआ, अटैक हुआ, ठीक है, तो बचपन का डेफिनेशन याद होगा, है बचपन का डेफिनेशन क्या था वो, so can we do this with H3PO3? H3PO3 उतना effectively नहीं हो सकता, तो ही that's why it's not मतलब कोई ऐसे बड़े, मुझे नहीं पता ऐसा कोई जगह पे जहाँ पे इसको mention किया हो, but इसका जो outcome है, इसका product जो होगा that is H3PO3, ठीक है? Sorry, तो आपको क्या मिला साथ में? आपको साथ में मिलेगा H3PO3. Is it fine? हाँ, C2H5OH से माइनस कैसे निकलेगा, है ना अक्षय, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, C2H5OH से एक्चुअली वैसे माइनस हमको दिखता नहीं है कैसे निकलेगा, बट आप इसके साथ जब हीट करते हो तो प्रोडक्ट में बेंजीन मिलता है, ठीक है, तो अब आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट, ठीक है, मतलब मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं इसके लिए। एक और है रिएजेंट आप जो यूज कर सकते हो, SN का क्लोराइड, SN+2 का क्लोराइड, SnCl2+NaOH, ठीक है, बेसिक मीडियम में SnCl2 अगर आप यूज करोगे तो भी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, तो ये तीन रिएजेंट है जो डायजोनियम से आपको बेंजीन दिलवा सकते हैं। LiAlH4,
आई नो अजिंक्य वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि एच माइनस का अटैक होना चाहिए था, है ना? एक सेकेंड होल्ड करो, मेरे पास ये कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। बेंजीन डायजोनियम विद एल आई ए यस, नहीं सो इसमें LaH will reduce the diazonium group rather than displacing it. तो यहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि you might end up with, ऐसा लिखा नहीं exactly, but you might end up with aniline as a product. ठीक है, तो LiAlH4 ये नहीं करता, इसको याद रखना, ठीक है? डन, करेक्ट, वो जहां से शुरू किया वही ले आएगा, है ना? इट विल कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ N2. कैन वी ऑल्सो डू दिस बाय एडिंग H2O और OH विल कम, देन वी विल डू लाइक अर्लियर. हाँ देखो यश, टू स्टेप रिएक्शन इज नॉट एन इश्यू एट ऑल. ठीक है, आप टू स्टेप में कर सकते हो. ठीक है, इधर इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन ना, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ. अगर आप उसमें OH डाल दो, हाँ पानी के साथ हीट कर दो, फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल का रिडक्शन कर दो, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, वो मैं एक बार फिर से समझा दू. मैं बस इतना बोल रहा हूँ, देखो दिस इज ये आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी देता हूँ. ठीक है, दिस इज JEE वाला थिंग. ठीक है, नीट में इस पे क्वेश्चन नहीं आया है. JEE में भी मैं बोलूंगा कि मोस्टली एडवांस में आएगा, लेकिन एडवांस में आया तो मेंस में आ सकता है. ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे ऐसे लिखा रहा हूँ. ठीक है, दीज आर द रिएजेंट्स जिनको यूज करके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो सकता है बेंजीन में. ठीक है, अब ये जनरली आप ये सोचो कि N2 जो है, N2 इज गोइंग टू बी द लिविंग ग्रुप, है ना? तो अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं से H- अटैक किया होगा, इसलिए N2 निकल के चला गया होगा. ऑल्दो H- का अटैक का मतलब ये होता है दिस इज रिडक्शन प्रोसेस, है ना? अब आप SnCl2 बोलोगे कि SnCl2 कैसे रिडक्शन करता है, तो SnCl2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4 में, Sn+2 से +4 में चला जाएगा, Sn ऑक्सीडाइज हो जाएगा. हाँ, Sn ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो किसी को तो रिड्यूस करना पड़ेगा, कौन करेगा? डायजोनियम क्लोराइड रिड्यूस हो जाएगा, है ना? H3PO2 की अगर मैं बात करूं तो वो ऑक्सीडाइज होके कहा जा रहा है H3PO3 में. फास्फोरस आप देखोगे H3PO2 में फास्फोरस इज इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, H3PO3 में फास्फोरस इज इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो तो किसी को तो रिड्यूस होना होगा, कौन होगा? डायजोनियम क्लोराइड. C2H5OH के साथ बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगी. C2H5OH ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, एल्डिहाइड में जाएगा, कार्बोक्सिलिक में भी जा सकता है, लेकिन इसके बारे में तुमको किसी बुक में दिया हुआ नहीं मिलेगा. ठीक है, C2H5OH ऑक्सीडाइज होके कहा जा रहा है नहीं पता, अदरवाइज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में इसको बताया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं बताया. ठीक है, तो अभी मैं ये चीज को पता करूंगा. ठीक है, कहीं भी किसी बुक में मुझे मिलता है क्या, एंड अकॉर्डिंगली फिर अपन देखेंगे. बट
आपको बस इतना बता रहा हूँ कि डायजोनियम सॉल्ट से भी बेंजीन बनाने का तरीका है। अगर आपको याद रखना है कौन सा तरीका से हो सकता है, तो आप ये दो तरीके तो डेफिनेटली याद रखना, इथेनॉल एंड H3PO2। ठीक है, H3PO2 वाला प्रोसेस जेई में पूछा गया है। डन, आगे बढ़े। चलो, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से हो गया। एक और है सल्फोनिक एसिड जो होता है ना, सल्फोनिक एसिड को आप हीट कर दो पानी में। आई थिंक हल्का सा अपना क्या कहते हैं एसिडिक मीडियम में हीट करना होता है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड में क्या होता है आपके पास, सल्फोनिक एसिड ये रिएक्शन भी अभी मैं वापस बोलूंगा जेई के लिए है। ठीक है, एक्चुअली ये नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं ये जेई नीट दोनों लिखूंगा, क्योंकि ये बोर्ड्स में नहीं पूछ सकते क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने की बात आ जाएगी। नीट में इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में सल्फोनिक एसिड का प्रिपरेशन वाला जो रिएक्शन है, सल्फोनेशन, ठीक है, अपन आगे देखेंगे, बात करेंगे, अभी रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में ले जाऊंगा ना, तब अपन बात करेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में आपको बैकवर्ड एरो मिलेगा, रिवर्सिबल दिखेगा। ठीक है, तो दैट इज वेयर दे माइट आस्क यू, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है रिएक्शन। ठीक है, एक्वस एसिडिक मीडियम में आप इसको हीट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, एक्वस एसिडिक मीडियम में आप इसको हीट कर दो, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजीन। ठीक है, साथ में जो आपका प्रोडक्ट रहेगा वो मोस्टली H2SO3 होना चाहिए। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड जो होता है उसको आप एसिडिक मीडियम में हीट करोगे तो आपको बेंजीन मिलेगा। अगेन, इसका मैकेनिज्म में मत पढ़ो। ठीक है, इवन दिस वन बेंजीन डायजोनियम मैकेनिज्म में नहीं पढ़ना है। ठीक है, काइंड ऑफ प्रोटोनेशन कह सकते हो आप, प्रोटोनेशन जैसा ही कुछ। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा इट हैज टू बी H2SO4। ठीक है, H2SO4 एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो दिस इज सल्फोनिक एसिड। इसको छोड़ के एक रिएक्शन और है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एल्केन की रिएक्शन। मुझे नहीं पता इस चैप्टर में उसको क्यों मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी में, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स वाले पार्ट में तो है। रिएक्शंस ऑफ एल्केन में एक रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन, कितनों को याद है वो रिएक्शन। बहुत अच्छी रिएक्शन है। IUPAC स्ट्रक्चरल इज इतने का अल्किन्स अल्काइन्स आ गया क्या, अल्काइन्स आ गया, एक सेकंड होल्ड करो। सब लोगों के पास एनसीईआरटी है, हाँ, एनसीईआरटी में दिस इज ऑन पेज नंबर 382। ठीक है, हाँ हाँ, क्या बात है, सही पकड़े अजिंक्य यश, CR203 AL203 वाला, बिल्कुल सही बात है। नॉन एरोमेटिक या एंटी से बेंजीन मोस्टली बनता है, सही बात है। ये रिएक्शन देखो सब लोग, इस रिएक्शन का कुछ नाम दिया है कि नीचे एरोमेटाइजेशन ही दिया हुआ है। ठीक है, 773 केल्विन एंड 10 टू 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हो, सबको दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में ये रिएक्शन, इसके नीचे सबको दिख गया क्या? नहीं, हाँ भाई, थैंक यू सो मच। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं। दिस इज अ हेक्सेन, है ना,
एन हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है, इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 / Al2O3 और V2O5 और मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, ठीक है, आपके पास, दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे दो चीज हो रहा है, पहला स्टेप हो रहा है साइक्लाइजेशन, दूसरा स्टेप हो रहा है डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, मैं दोनों स्टेप आपको समझाता हूँ कैसे होता है ये। अगर मेरे पास है हेक्सेन, है ना, एन हेक्सेन, इसमें आप डाल सकते हो Cr2O3/Al2O3 और V2O5 और MO2O3, थोड़ा सा है ना कंफ्यूजिंग सा होता है, ठीक है, Al2O3 इनके साथ डालना है नहीं डालना है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट आपके सामने ये जो भी आएगा Cr2O3 और V2O5 यही दोनों मोस्टली आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट विल बी बेंजीन। दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन। व्हाट इज V2O5? V2O5 वैनेडियम ऑक्साइड है, वैनेडियम पेंटोक्साइड, ठीक है। आदित्य ऊपर का दिख रहा है ना SO3 सल्फोनिक एसिड वाला। सो अब ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में होगा, कौन सा स्टेप होगा? पहला स्टेप होगा साइक्लिक फॉर्मेशन, पहले क्या होगा साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होगा, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज साइक्लाइजेशन, सेकेंड स्टेप क्या है डीहाइड्रोजिनेशन, है ना, सैचुरेट अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हो आप। अब इमेजिन कीजिए अब यहां पे क्या है, हर 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 कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना, एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन से निकाल दिया, डीहाइड्रोजिनेशन हो गया, ठीक है। ये जो डीहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है ना बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, एक एक इसमें याद रखना, इसमें आप सेलेनियम के साथ हीट कर सकते हो, ठीक है। MS चौहान सर पता है आपको, MS चौहान सर पता है ना आपको, उनका फेवरेट रिएक्शन, ठीक है, सेलेनियम जो है सेलेनियम वाली रिएक्शन उनको बड़ा बहुत मजा आता है, क्यों मुझे नहीं पता। तो जब मैं पढ़ता था व्हाट इज V2O5 वैनेडियम पेंटोक्साइड, V2O5 वैष्णवी, वैनेडियम अपना ट्रांजिशन मेटल है, वो हम बोल रहे हैं मुझे कैसे पता, मैं MS चौहान सर से पढ़ा हूं ना इसलिए मुझे पता है। तो जब मैं JEE का प्रिपरेशन कर रहा था आई डिड माय प्रिपरेशन फ्रॉम कोटा वाइब्रेंट एकेडमी, तो मतलब अब वो वाइब्रेंट चलाते, मैं तो बंसल से पढ़ा था, ठीक है, तो अब वो वाइब्रेंट के डायरेक्टर है, तो जब बंसल में सर पढ़ाते थे तब ये रिएक्शन हमेशा बताते थे, ठीक है। अब बहुत बहुत उनका फेवरेट इसलिए था क्योंकि हम लोग हमेशा ये पूछते थे सर कि इसका मैकेनिज्म क्या है ये बताओ। तो सर बोलते थे प्रोग्रेस में, रिसर्च अभी भी चल रहा है। तो उनका क्या क्या रिएक्शन होता था, उनका रिएक्शन होता था कि अच्छा ये देखो अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, अगर आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, है ना, साइक्लोहेक्सेन ले लो, साइक्लोहेक्सीन ले लो, साइक्लोहेक्साडाइन ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, ऐसा साइक्लिक है और अब आपको कन्वर्ट करना है उसको किसमें, बेंजीन में, सेलेनियम के साथ आप हीट कर दो, इज दैट एंड और एक्चुअली है ना ये सब और ही है, एंड नहीं है कोई भी, ठीक है, एंड मैं लिखता नहीं हूं, मैं प्लस लिखता हूं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा है नहीं दिख रहा है तो और है, ठीक है। तो आप जब MS चौहान
सर की बुक सॉल्व करोगे ना तो हिमांशु क्या पूछा आपने, मैं समझा नहीं आपका सवाल, नहीं समझा। बुक में बहुत ये वाला रिएक्शंस है क्या? यस अजिंक्य, वही मैं बता रहा हूँ। तो आप जब सर की बुक सॉल्व करोगे ना, जेई वाली बोल रहा हूँ, नीट वाली नहीं, नीट वाले में शायद नहीं डाला है, जेई वाली बुक अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उस बुक में आपको ये सेलेनियम वाली रिएक्शन मिलेगी, ठीक है? चल ऊपर थोड़ा ऊपर मतलब, और ये सल्फोनेशन वाला बोल रहे हो कोमल? एरोमेटिक में जेई बुक एज इन एररलेस? नहीं, अरे एमएस चौहान सर का एक बुक है, आप लोगों को अभी अभी मैंने सजेस्ट तो नहीं किया है किसी बात के लिए, अपन धीरे धीरे सजेस्ट करूंगा। बालाजी पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है? बालाजी पब्लिकेशन, प्रॉब्लम्स इन एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किया है, बहुत बढ़िया। यस नरेंद्र अवस्थी सर भी है, उनसे भी मैं पढ़ाऊ सोडियम, हम उनको सोडियम बोलते थे। तो हाँ, तो उनकी उनकी बुक भी ले लो। बालाजी पब्लिकेशन में आपको तीन तीन बुक मिलेगी, ठीक है? नरेंद्र अवस्थी, एमएस चौहान एंड वीके जायसवाल। दिस इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? एंड ऊपर वाले की दुआ से मैं इन तीनों टीचर से केमिस्ट्री पढ़ाऊँ तो शायद उसी के चलते, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे आज भी केमिस्ट्री पसंद है, ठीक है? हाँ ये तीनों मेरे मतलब मेरे बैच में ये तीनों टीचर्स थे हमारे टाइम, दिस वेयर द टॉप फैकल्टीज, ठीक है? वीके जायसवाल, ठीक है? एम एस चौहान, सो एन ए इज नरेंद्र अवस्थी, वीके जायसवाल, ठीक है? बालाजी पब्लिकेशन का आपको तीनों बुक मिल जाएगा। नीट के लिए भी बुक है ये, नीट वाली बुक अलग है, ठीक है? नीट वाला जो बुक है वो अलग है, जेई वाला बुक अलग है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो आप ले सकते हो। जायान का सवाल है, कोटा फैक्ट्री देखी है? सर क्लेडन भूल गए। तो क्लेडन एमएस चौहान सर की फेवरेट बुक है, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं कर पा। उनको बड़ा मजा आता था, फिनार, क्लेडन, पीटर साइक्स, इन्हीं की बातें करते रहते थे। बट अपने को अभी उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? वो सब करके अपना टाइम ज्यादा निकल जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है? आपको मैं बताता हूँ आपको क्या फोकस करना है। अभी अगर अपन पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देखो, देखो अल्केन हो गया ना, ये हो गया, सबने लिख लिया ना यहाँ तक, बेंजीन के प्रिपरेशन खत्म हो गए। चलो अब दो तीन बात इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, ठीक है? रिएक्शंस ऑफ बेंजीन अपन अगले क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि फिर वो शुरू करेंगे तो फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा। तो पॉइंट नंबर वन, आपको सबसे पहला क्या करना है, नोट्स आप सिर्फ मेरी यूज करो, ठीक है? दिस इज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप और किसी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको अब मैं सेपरेट बता रहा हूं, ठीक है? अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जेई के लिए, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए, ठीक है? जेई के लिए मेंस एंड एडवांस आपको एक बुक लेनी होगी, रंजीत शाही, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है? आप इसमें से नोट्स भी देख सकते हो, ये सब नोट्स का बात चल रहा है, ठीक है? नीट के लिए आप सेंगेज ले सकते हो, एररलेस ले सकते हो, ठीक है? एररलेस में भी आपको नोट्स मिल जाएगा, या फिर आप सिर्फ एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से भी आप
नोट्स तो थ्योरी निकाल सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए जेई मेंस प्लस नीट, जिनका सिर्फ जेई मेंस और नीट टारगेट है, ये क्या देखेंगे, ये सिर्फ एनसीईआरटी देखेंगे, ठीक है। जेई एडवांस जिसका करना है, जिसका टारगेट है जेई एडवांस्ड, उसको इनऑर्गेनिक के लिए कौन सी बुक लगेगी, उसको लगेगी जेडी ली। जेडी ली का भी एक स्पेसिफिक वर्जन है, ठीक है, सुदर्शन गुहा, ठीक है, एस जी सुदर्शन गुहा सर, इनका वाला फोर नोट वाला फोर वो वर्जन है, ठीक है। तो दैट इज, ये नोट्स की बात कर रहा हूं, अभी भी थ्योरी, ठीक है, नोट्स थ्योरी, ठीक है। मेरे नोट्स कहाँ है, अरे मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा ना। अबे पॉला ब्रूस, नहीं नहीं हाथी नहीं लगानी, ठीक है। पॉला ब्रूस, क्लेडन, फिनार, फिर तुम्हारा पीटर साइक्स, फिर और एक कौन सा है, मॉरिसन बॉयड। ऑर्गेनिक के लिए कोई इधर उधर दिमाग का दही मत करो, मैं जो बताऊंगा वही ऑर्गेनिक तुम्हारे लिए सत्य है, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ ना। देखो अभी अपना जो केमिस्ट्री है ना, अपना केमिस्ट्री जो इंडियन अपनी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, इनका केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत फैला हो, वैसे रायता रायता फैल गया टाइप है, ठीक है। वो रायता जो फैला हुआ है उसमें से फिर आप चुन चुन के कुछ निकालोगे और रायता और फैला दोगे, ठीक है। इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, जितना दूंगा जितना नोट्स बताऊंगा उससे आपका सारा का सारा ऑर्गेनिक का सॉल्व हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप सेंगे जेनरलेस एनसीईआरटी, अगर आप यहाँ पे, मैं इवन मेंस के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ कि मेंस के लिए भी सेंगे जेनरलेस एनसीईआरटी के नोट्स इनफ है। एडवांस पे आप जाओगे ना तो एडवांस के लिए आपको रंजीत शाही लेनी होगी, ठीक है, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, मेंस पर नीट एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा, थ्योरी पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, ठीक है। नीट में एक दो बार फालतू के क्वेश्चन आए, बट मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने ऐसे क्वेश्चन डाले, बट वो क्वेश्चन बस एक बार आया है तो उन सबको लेके अपन ज्यादा सोचेंगे नहीं। एडवांस के लिए लेकिन आपको जेडी ली यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन अगर कोई आता है कहीं पे, आपको डाउट आता है, थ्योरिटिकल इशू आता है, तो आपको जेडी ली यूज करनी पड़ेगी। आपको थ्योरी क्लियर हो गया, अभी मैं आता हूँ आपके लिए इस पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या करना है, प्रैक्टिस का तो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया यहाँ पे है ना। ये जो है बालाजी पब्लिकेशन की ये तीन बुक किसके लिए जरूरी है, ये इसके दो वर्जन है, ठीक है, एक है जेई एडवांस वाला वर्जन, ठीक है, और एक है नीट वाला वर्जन। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो मेंस के लिए, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ मेंस करना चाहता हूं, तो आप नीट वाला वर्जन लेके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओपी टंडन कैसी है, ओपी टंडन अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है, ठीक है, बट फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक नहीं। ओपी टंडन फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है, बट वो क्या है ना, वो सब बहुत पुरानी बुक हो चुकी है, ठीक है। फिर ओपी टंडन है, फिर आरसी, वो क्या नाम है, मुखर्जी, आरसी मुखर्जी है शायद उनका नाम, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे अच्छी बुक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिमांशु पांडे किसके लिए यूज करोगे, जेई मेन्स के लिए यूज कर सकते, ठीक है, JE मेंस प्लस NEET, ठीक है। एडवांस के लिए मैं फिर भी सजेस्ट ये करूंगा MS चौहान, इनफ है, जो MS चौहान पूरा सॉल्व कर लो, JE एडवांस इनफ।
क्लियर है ये? प्रैक्टिस आपको समझ में आ गया? प्रैक्टिस कहां से करना है, इसको छोड़ के आपको प्रैक्टिस और कहां से करना है? आपको अरिहंत के पीवाईक्यू का बुक्स ले लेना है, अरिहंत दिशा जो भी आपको सही लगता है, ठीक है? मेरे को वो उसमें कोई इशू नहीं, पीवाईक्यूज तो आपको सब जगह एक जैसा मिलेगा और एरर भी उतने ही मिलेंगे, ठीक है? तो एररलेस के नाम से, एररलेस अपने आप में बहुत एरर वाली बुक है, तो उससे भी थोड़ा ध्यान से संभल के चलना, ठीक है? एमएस चौहान मेंस के लिए नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा, फिर मेंस के लिए अगर तुम हिमांशु पांडे कर लो चलेगा, या फिर मेंस के लिए तुम नीट वाला एमएस चौहान कर लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये दो बात क्लियर हो गई आपको, थ्योरी और प्रैक्टिस वाली। What to do if those questions are not getting solved? Rishikesh, doubt nut. हाँ बहुत लोग हैं, doubt nut है, topper है, Vedant है। Mains के लिए errorless से practice कर लेते हो, लेकिन errorless बहुत easy question है, ठीक है? सार्थक बहुत सारे, तो एक चीज बता दो, doubt nut, topper, सार्थक, ये ब्रेनली कोई भी उठा लो, बहुत ज्यादा एरर है उसमें, ठीक है ना? तो एक चीज ध्यान रखना, तुम मतलब कोरा के बाद, कोरा में सबसे ज्यादा एरर होता है, उसके बाद ये सारे साइट्स जो है, ठीक है? इन जनरल आपको मिल जाता है करेक्ट आंसर, मतलब आई वुड से लाइक 80% ऑफ द टाइम आपको 70-80% ऑफ द टाइम करेक्ट आंसर मिल जाता है, ठीक है? लेकिन अगर कुछ ज्यादा आ गया तो फिर है मिस्टेक्स है, और ऐसी मिस्टेक्स है ना, मतलब टॉपर ने मिस्टेक किया है तो फिर वो डाउट नट ने भी कॉपी किया है, सार्थक ने भी कॉपी किया है, मेरिट नेशन ने भी कॉपी किया है, तो मिस्टेक भी कॉपी होते हुए दिखती है आपको, किसने कहां से सॉल्यूशन उठाया, ठीक है? रिकॉर्ड हो रहा है क्या ये सब? बोल देना सर को यूट्यूब पे ना डाले, इतना पार्ट हटा दे, मालूम चला मेरे पे केस हो गया। हाँ फाइनल आंसर सही होता है, एकदम सही बात है, बट वो मेथड मेथड बहुत ही है, इंफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनिक ओसीएच क्या है, मैं भूल गया है, मेरे को नहीं याद है, पूर्वा कौन सा आप बोल रहे हो? आज लेक्चर वैसे खत्म हो गया ना? हाँ जी, आज का लेक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग मेरे को